हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइज, अभी बस जस्ट मेरी एंट्री हुई है और कुछ इस तरह का पास मिला है मुझे, जो कि 50 रुपीज़ का था। ऑनलाइन मैंने बुकिंग करा ली थी और 150 में आप लगातार आप कई बार एंट्री कर सकते हैं। और क्राउड देखिए आप, सुबह के अभी सिर्फ 9:08 हुए हैं और क्राउड अभी आप देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है। मतलब लोगों की लाइन लग रही है अंदर आने के लिए। सबसे मेन कैच है कि यहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं वो बहुत सस्ती मिल जाती हैं, इसलिए जो किसान हैं वो यहाँ पर आते हैं। जस्ट मेरे आप पीछे देख रहे होंगे, ट्रैक्टर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो गाइज़, आप जैसे अंदर आते हैं तो आपको हर तरह के मशीन्स और ट्रैक्टर्स वो आपको दिखने लगेंगे, जो सबसे अच्छी बात है। कुछ नई नई चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, जो जनरली आप किसी और फेयर में, जो दिल्ली NCR के फेयर में होता है, वो इतने बड़े लेवल पर नहीं होता है। बट यहाँ पर आने के बाद आपको दिखता है कि कितने बड़े लेवल पर चीज़ें हो रही है। ब्रांड है सर, समय ड्यूस पर बोलते हैं नाम है सर। ओके, ये जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मन मेड है सर। जर्मन मेड मतलब उसका इंजन वगैरह उधर ही टेक्नोलॉजी वगैरह है, लेकिन मैन्युफैक्चर होता है रानीपेट में, तमिलनाडु में। ओके, ये 35 HP का है सर। 35 HP? हाँ सर, 35 HP में। ये 3 सिलेंडर का आता है। ओके, इसमें हमारा ट्रैक्टर में सभी पावर स्टीयरिंग होता है सर। 35 HP टू 80 HP और 12 HP का है, वो सभी पावर शेयरिंग है। ड्राई एयर क्लीनर है सर। ड्राई एयर क्लीनर मतलब इसमें सेंसर भी है, हमको सेंस लगता है थोड़ा दिक्कत पड़ जाएगा तो हमको हो जाता है बाद में। बाकी अगर मैं बोलूँ तो एक ही तरह का ट्रैक्टर है या फिर कई तरह के हैं सर? इसमें चेंज ही है सर, गारंटी है। मतलब अब हमारा 35, 40, 42 HP में सिम्पसन इंजन आता है, बाद में 45 से हमारा ड्यूस पार्क इंजन आता है। ओके, अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो लगभग क्या प्राइसिंग स्टार्ट होती है? 2400 cc असलेला मोटा इंजिन तुम्हाला यात मिळतोय। पावर ब्रेक आणि ऑइल ब्रेक आणि पावर स्टेरिंग सुद्धा तुम्हाला या RX 30 या मॉडेलमध्ये मिळते। आणि एवढंच नाही, 30 पाती रोडावर चालवण्याची याची एक क्षमता असून तुम हा 10 इंची पलटी नागरसुद्धा चालवू शकतो। आणि अजून एक असा मिनी ट्रॅक्टर आहे, GT 22 पावर प्लस। हा ट्रॅक्टर तुम्हाला 24 हॉर्स पॉवरमध्ये अवेलेबल करून मिळतो आहे आणि 3.5 फूट रुंदीचा ट्रॅक्टर असून हा आपल्या बागाच्या अंतर मशागतीसाठी अत्यंत उपयोगी असा ट्रॅक्टर आहे। ऑफिससुद्धा आमच्याकडे अवेलेबल आहे, त्यामुळे एवढंच नाही जसा ट्रॅक्टर तुम्हाला बेस्ट टू बेस्ट प्राइजेसमध्ये आम्ही सोनालिका ट्रॅक्टर्स अवेलेबल करून देत आहोत। आणि एवढंच नाही, आम्ही इथे खूप सारे जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर है वो कौन है सोनालिका का? सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर हमारा जो है वो हमारे इस एरिया में महाराष्ट्र में RX 47 है। बट इस ट्रैक्टर का जो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे, जो RX 55 ट्रैक्टर है, ये सभी रिकॉर्ड आगे जाके ब्रेक करेगा। अच्छा। इसका रीज़न है कि इंडस्ट्री में सबसे यूनिक ट्रैक्टर हमने बनाया है। अच्छा। इससे इसका जो इंजन है वो 4100 cc का इंजन है, जो इंडस्ट्री में अभी तक अवेलेबल नहीं है। ओके, और इसके साथ में हमने उसका जो RPM में है वो भी 2000 RPM किए हुए है। जितने कम RPM में वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा तो किसानों के लिए डीजल में बहुत अच्छी खपत होगी। इसका एक एडवांटेज है, जैसे आप देखोगे ट्रैक्टर में बहुत सारे किसानों को ट्रैक्टर चलाना होता है 1600 या 1600 से 1700 RPM पे,
और बहुत सारे ट्रैक्टर जो हायर एचपी के होते हैं वो ट्रैक्टर्स का रेटेड आरपीएम होता है 2400 का, तो ट्रैक्टर इतनी पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाते जितना किसानों को प्रोड्यूस होना चाहिए। इसमें डीजल कंजम्पशन ज़्यादा होता है। इस ट्रैक्टर की यही खासियत है कि 2000 आरपीएम पे जब चलेगा तब ये सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा, कम टाइम में सबसे ज़्यादा काम करेगा, टायर स्लिपेज कम करेगा, तो इससे मेंटेनेंस भी कम आएगा और डीजल की खपत भी ज़्यादा होगी। कब का लॉन्च है ये? लॉन्च हमने अभी 3 महीने पहले इस ट्रैक्टर का लॉन्च किया और आज बहुत अच्छा वेस्टर्न महाराष्ट्र मराठवाड़ा ये जो एरियाज है शुगर केन के वहाँ से बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहे हॉलेज के लिए। कितने मॉडल्स आते हैं आपके? मॉडल्स बहुत सारे वेरियंट्स हैं हमारे, आपको बताएंगे तो, लेकिन हर रीजन वाइज हर स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं, लेकिन मेजर मॉडल जो हमारे यहाँ पे भी चलते हैं 20 HP से लेके 30 HP में 8 मॉडल हम यहाँ पे बेचते हैं, और बाकी हमारा रेंज जो है 20 HP से लेके 120 HP तक का रहेगा। क्या प्राइस रखे हुआ इसका? इसका प्राइस है 7,40,000 रुपये का प्राइस है। 7,40,000 और बहुत कम्पिटेटिव प्राइस है इंडस्ट्री में बाकी के मुकाबले, क्योंकि 55 का इतना बड़ा इंजन सीसी का ट्रैक्टर है, इसकी इंजन सीसी में ट्रैक्टर किसी इंडस्ट्री में अवेलेबल नहीं अभी तक, फिर भी ये हम कंपेयर करें तो ये लगभग 70 से 80,000 सस्ता है बाकी ट्रैक्टरों के हिसाब से। गाइज यहाँ पर इंजन ऑयल होंडा ने भी अपना लगा रखा है, सोनालिका ने भी लगा रखा है, ट्रैक्टर्स मिल जाएंगे आपको, इंजन ऑयल मिल जाएगी, क्या नहीं है यहाँ पर, तो बहुत बड़ा फेयर है। आप ये देखिए, आप मेरे पीछे देखिए बस कितना बड़ा फेयर है यहाँ पर, हर तरह की चीज़ें जो भी आपको चाहिए वो चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं यहाँ पर। कौन सा लीजिए? 20 रुपये कितने? 20 रुपये पैकेट है। 20 रुपये का 12 माइल शेवगा। ये क्या है? ये शेवगा भी है। शेवगा? हाँ शेवगा ड्रमस्टिक। कहाँ पर आपकी दुकान है? ये माड़ा 16 फुट आशा नहीं है। बस हैं जो बेच रहे हैं, जो दुकान वाले हैं जनरली लोकल हैं और महाराष्ट्र के आसपास रहने वाले लोग हैं, तो लगभग 20 रुपये में आपको सीड्स वगैरह मिल जाते हैं। वो ये इसका मैं आपको वैरायटी बताता हूँ, ये कस्टर्ड एप्पल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में शरीफा, मराठी में इसको सीताफल बोलते हैं। ये सिलेक्टेड वैरायटी है, हाइब्रिड नहीं है। हाँ ये मीठा रहता है और वेट में 300 ग्राम से लेके 800 ग्राम तक रहता है। 800 ग्राम 400, 500 और 600 ग्राम का ये एवरेज 80% इसका माल जो बगीचे के ऊपर रहता है, बाकी 10-20% और छोटा बड़ा रहता है। इसमें बीज बहुत कम रहता है, 20-30 बीज रहता है, और ये अगर हम निकालेंगे ये अगर ग्लोकल का वैरायटी का शेरेपा रहता है, वो दिवाली के बाद 1 महीना चलता है, उसके बाद नहीं रहता, लेकिन इसका सीज़न उसके बाद नवंबर में शुरू हो जाता है, लेट सीज़न है। और ये पेड़ से तोड़ने के बाद भी ये 5वें-6वें दिन पकना शुरू हो जाता है, उसके बाद 3 दिन रहता है। साल में एक बार ही आती है? एक बार लेट आता है सीज़न, ये नवंबर से लेके नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी तक चलता है, 3.5 महीने चलता है ये। हाँ और ये इसका जो फूल आता है वो इंस्टॉलमेंट में आता है थोड़ा थोड़ा। हाँ मतलब अगर इसको जुलाई में मान लो फूल लगना शुरू हो गया तो जुलाई में थोड़ा आएगा, जुलाई के 1 को 15 थोड़ा, फिर 15 दिन बाद थोड़ा आएगा, अगस्त में थोड़ा, 15 दिन बाद आएगा, तो ये 3.5 महीने का इसका सीज़न पूरा चलता है। ग्राफ्टेड है तो फ्रूटिंग कम होगी? नहीं नहीं, फ्रूटिंग इसका
तीसरे साल 15 से 20 तक फल आता है तीसरे साल। अच्छा। इसका बियर होता है प्लांट्स पे, इसका जो हाइट है ये 8 फीट तक रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, पाँचवें छठवें दिन छठवें साल पे। तो इसका चौथे साल पे करीब करीब 25 से 30 किलो माल आ जाता है। अच्छा। और चौथे छठवें सातवें साल पे 40-40 किलो एक पेड़ बियर करता है। ये जो फल है ना ये पेड़ के लास्ट में नहीं आते हैं, अंदर आते हैं। जैसे ऐसे आ जाएगा ये वहाँ है ना स्टॉक का आ जाएगा, इसलिए ये अपना ये वेट अपना अच्छे से बियर कर लेता है। बहुत बढ़िया क्वालिटी है ये, और इसका सबसे बढ़िया ये रीज़न है इसका कि लेट आता है, कंपटीशन नहीं रहता। इसको 150-200 रुपए किसान को मिलता है, किसान को, इसलिए इसका एक एकड़ में 4-5 लाख रुपए का। दिल्ली में लगाया है कि नहीं आपने भी? ये दिल्ली में दिया है, उधर पंजाब में दिया है, हरियाणा में दिया है, अभी लगा रहे हैं। मतलब ये अभी हमारा सोलापुर है ना, सोलापुर बार्शी उस्मानाबाद, ये एपिसेंटर है इसका वैरायटी का। ये 4-5 साल की नई वैरायटी है, अभी तो फैलने में देर लगेगा, 5-10 साल भर उधर भी लगेगा, लेकिन अभी तो गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश वगैरह फैल गया, छत्तीसगढ़ वगैरह अभी फैल रहा है थोड़ा थोड़ा, और 2-2 साल में अभी लगा रहे उधर। लेकिन ये सब थर्ड ईयर तो इसका एक इनकम स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक पेड़ पे मान लो 6 किलो है, 100 रुपए से भी हमको अगर रेट मिल गया तो एक पेड़ पे हमको 500-600 रुपए मिल जाता है। एक एकड़ में 400 पेड़ रहता है, 8x12 8x14 का इसका डिस्टेंस रहता है प्लांटेशन का। तो मान लो हमको इसका थर्ड ईयर ही 2-2.5 लाख रुपए इनकम है, और चौथे पाँचवें साल पे इसका इनकम हमें 4-5-6 लाख रुपए तक स्टार्ट हो जाता है। और 40-40 किलो अगर एक पेड़ पे हो जाता है तो उसको 100 रुपए से बस मल्टीप्लाई करना है उसको, एक पेड़ को, और एक एकड़ में 400 पेड़। क्या नाम है आपका? धनराजगिरी। ट्रे वगैरह क्या प्राइसिंग है? ये ट्रे जो है क्या प्राइसिंग है? कीमत? हाँ कीमत 7.5 रुपए। 7.5 रुपए? हाँ। बहुत सस्ता है। कितने हैं इसमें? 126 है। और इसमें 102। 7.5 रुपए बहुत कम है। ऑनलाइन सेल करते हैं? जो ग्रोट बैग का जो ग्रोट रे होता है जिसमें हम अपने छोटे छोटे जो नर्सरीज बनाते हैं उसके प्लांट्स जो लगाते हैं वो 7.5 रुपए के वो ट्रे मिल रहे हैं, और जनरली जो हम बाई करते हैं वो 50 से लगभग 60 रुपए के आसपास हम वो ट्राई करते हैं, वो 7.5 रुपए में मिल रहा है। तो सोच लीजिए क्या प्राइसिंग है, कितना सस्ता मिल रहा है यहाँ पर। इसको दिया हुआ एक स्मेल दिया हुआ है लाइक अट्रैक्शन के लिए, तो ये कैसे कि अट्रैक्ट होंगे, खाएंगे मरेंगे। नॉर्मली चूहे कैसे पहले स्मेल लेते हैं, डर्टी स्मेल ले तो भाग जाएंगे वापस, तो जल्दी नहीं आएंगे वापस, ये अट्रैक्ट करेंगे। ये जो पाइप प्लास्टिक पाइप लोखंडी पाइप जीआर पाइप वगैरह हर तरह की पाइप चिपकाने के लिए काम आता है। हाँ, गरम भर के लगाने का। क्या प्राइस रखते हैं? 100 रुपये। 100 रुपये? दो स्टिक में? दो स्टिक। ऐसे एंगल लगा जी, हुक लगा जी, पिन लगा, सगल चलते हैं। कितने का भैया ये? 200 रुपये। 200? 150 रुपये। 200? 200। 200? कितने लीटर का है? 2 लीटर का है। 2 लीटर का है। और इस तरह का बड़े वाला 16 लीटर 15 लीटर। प्राइस क्या होगा लगभग? तो दिखाएंगे 2500 2800। तो गाइज़ आपको हर तरह की चीज़ें आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस और बहुत ही सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी आपको यहाँ पे।
हर एक चीज़ मैं आपको दिखाता जाऊँगा। लगभग जो स्प्रे 2 लीटर का होता है वो आपको 200 रुपये मिल जाएगा, 250 रुपये का भी, 2500 रुपये का भी आपको गैलन मिल जाएगा जो 116 लीटर का होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो जो जितने भी जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो आके यहाँ पर बाई कर रहे हैं क्योंकि इनको बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर चीज़ें मिल रही है, तो इसलिए वो यहाँ आके बाई करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ट्रैक्टर तो आपको दिखाया मैंने, आपको सीड्स भी, देसी सीड्स जो बोलते हैं वो भी है, आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके साथ साथ अब अगर बोलूँ तो हर एक छोटी मोटी चीज़ें जो आपको डे टू डे लाइफ में आपको काम आता है, फार्मिंग से रिलेटेड हो, गार्डनिंग से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। घूमता घूमता थक गया हूँ तो सोच रहा हूँ एक ब्रेक ले लिया जाए और इस बीच में कुछ खा पी लिया जाए। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ मिल रही है और कुछ चीज़ें मैं इसमें से ट्राई करने वाला हूँ। एक गमलों के लिए आता है, गमलों स्पेशल बोलता है। हाँ, क्या प्राइस होता है इसका? 200 का सेट आता है।